स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम मैथ्स क्लास वर्क में क्या पढ़ना है हमको? शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म होता क्या है इसके बारे में हमको स्टडी करना है। हमने एक्सपेंडेड फॉर्म कल पढ़ लिया था, आज हमको शॉर्ट फॉर्म के बारे में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं शॉर्ट फॉर्म होता क्या है। मान लीजिए कोई चीज थी, जैसे यहाँ पे ये नंबर है, हमने ले लिया, ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। ये किसी फिजिक का क्या होता है? एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। लेकिन इस एक्सपेंडेड फॉर्म को हमको किसमें कन्वर्ट करना है? सॉल्व फॉर्म में। हमको इसे सॉल्व फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कि सॉल्व फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे? तो आप एक तरीके ऐसे भी लिख सकते हैं, 700 फिर 50 फिर 3, फिर यहाँ पे ऐड कर लीजिए ना, यहाँ पे कितना ऐड करने के कितना आएगा? 3 फिर 5 फिर 7, ये आपको ऐड करने के कितना आया? 753। ये क्या हो गया हमारा? सॉल्व फॉर्म। क्या हो गया? सॉल्व फॉर्म हो गया। सॉल्व फॉर्म ये हो गया। एक तरीका और भी है, एक तरीका और जिससे भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट 7 5 3, क्या हो गया? सब का फर्स्ट डिजिट ले लीजिए, ठीक, फर्स्ट। तो क्या हो गया? 7 5 3। ये भी हमारा क्या है? सॉल्व फॉर्म, ठीक। अगर आपको ऐसे ऐड करना आता है तो आप ऐसे ऐड कर लीजिए, ये सिंपल पड़ रहा है तो ये कर लीजिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई और ले लीजिए, 1000 में ले लीजिए, 1000। अच्छा लगे, जो भी आपको सिंपल लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स सी द क्लास वर्क। आइए आप आपका क्लास वर्क देखते हैं। याद है आपको मैथ्स क्लास वर्क की कॉपी में क्या करना है? राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। आपको नीचे जो दिए गए हैं उनको किसमें लिखना है? शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्या है हमारा? ए क्या कह रहा है? 200 + 70 + 3। 200 + 70 + 3। फर्स्ट कैसे बताया था? हमने बताया था 200 + 70 + 3। ऐसे भी आप कर सकते हैं, ये भी
को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ओके ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। आप इसको अच्छे से अपनी क्लास वर्क और होमवर्क की कॉपी में कर लीजिएगा। ओके थैंक यू।